लांजन क्षमा भाषम रविपुत्र यमाग्रजायादंडशूत तम नमा शने तम नमा शनेरम नमस्कार बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ स्वामी नित्यानंद आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आप सभी के लिए भगवान शनिदेव का अस्त होना क्या कुछ प्रभाव डालेगा आपके इन बारह राशियों पर एक एक करके हम सभी राशि का हाल जानेंगे भगवान शनिदेव ग्यारह फरवरी को अस्त हो रहे हैं ग्यारह फरवरी को भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं और 18 मार्च तक अस्त रहेंगे भगवान शनिदेव के अस्त होने से आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके परिवार पर आपके रोजी रोजगार पर आपके प्रेम संबंध पर आपके संतान पर आपके वैवाहिक जीवन पर आपके पढ़ाई लिखाई नौकरी आपके सभी क्षेत्रों पर क्या कुछ बड़े परिवर्तन हैं और किन किन खास बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा किन किन बातों के ख्याल से आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ उत्कृष्ट और मंगलमय हो जाएगा तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम और आप जानेंगे मिथुन राशि इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम और आप जानेंगे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिकाओं के बारे में क्या कुछ होगा बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि वालों के जीवन में और किन किन बातों का रखना है आपको ख्याल मिथुन राशि वालों जो भी आप सुन रहे हैं हमारी इस वीडियो को आपको बहुत सतर्कता मैं कह सकता हूं कि बरतनी है भगवान शनिदेव आपके भाग्य स्थान मतलब नवें घर में अस्त हो रहे हैं भगवान शनिदेव का आपकी पत्रिका में नवें घर में अस्त होना मैं कह सकता हूं कही न कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी कमजोर करेगा अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं मेरा भाग्य मुझे सपोर्ट करेगा और मैं परीक्षा निकाल दूंगा या मेरा भाग्य मुझे सपोर्ट करेगा और मैं धन कमा लूंगा या अगर आप सोच रहे थे कि मेरा भाग्य सपोर्ट करेगा तो मेरा विवाह हो जाएगा मेरा व्यापार चल जाएगा इस भूल में आपको किंचित मात्र नहीं रहना है वैसे भगवान शनिदेव आपके भाग्य स्थान पर अस्त हो रहे हैं तो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तो नहीं मिलेगा आपको लेकिन मैं कह सकता हूं कि कोई बेनिफिट मतलब कोई प्रॉफिट भी आपको नहीं मिलने वाली है भाग्य की इसलिए आपको इस टाइम पीरियड में ग्यारह फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक समय जो है इस समय में आपको अभूतपूर्व परिश्रम करके खूब परिश्रम करके आपको कार्य करने की आवश्यकता है भगवान शनिदेव की कृपा होगी तो आपको सफलता प्रदान होगी अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके धन भाव पर डायरेक्ट पड़ेगी भगवान शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके धन वो आपके धन भाव पर डायरेक्ट रूप से पड़ेगी भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब आपके धन पर पड़ेगी तो आपका फाइनेंस कहीं ना कहीं बहुत कमजोर होगा आपको धन की तंगी से गुजरना पड़ेगा आपके जीवन में आ रही इनकम की स्रोत कम हो सकती है आपका जो जीवन है ये इस परिपूर्ण स्वरूप से जीवन में आपको मूलभूत तरीके से सपोज दैट कोई आपकी सैलरी आने वाली थी आपकी कोई सैलरी आने वाली थी आपका कोई धन अचानक से आपको मिलने वाला था या आपको पूर्ण स्वरूप से कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला था इसमें आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बाकी आपके लिए समय उत्तम होगा आपको अपने कुटुंब से बहुत आपसी सामंजस्य बनाकर रखना होगा कुटुंब बोले तो आपको अपने परिवार से आपसी सामंजस्य बहुत मधुर रखना होगा अगर अपने परिवार से आप अपना आपसी सामंजस्य मधुर रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए समय बहुत अनुकूल होगा साथ ही साथ अब हम बात करते हैं भगवान श्रीदेव के सातवीं दृष्टि की भगवान श्रीदेव की सातवीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी थर्ड हाउस से हम आपके पराक्रम को देखते हैं आपके छोटे भाई बहन माता पिता का भी हम विचार यहां से कई बार करते हैं सातवीं दृष्टि भगवान श्रीदेव की जब आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी तो यहां से आपका कार्य करने में मन बहुत कम लगेगा ये पूरा वर्ष भगवान श्रीदेव को समर्पित है 2024 का इस पूरे वर्ष में जितने लोग भाग्याधीन जीवन जी रहे थे मतलब भाग्य के बल पर माल काट रहे थे उनका भैया माल खत्म हो जाएगा आप ये चीज विचार कर लें कि जितने लोग भाग्य के द्वारा आनंद का उपभोग कर रहे थे या भाग्य के द्वारा बहुत सारी मैं कह सकता हूं कि सुखों का आनंद ले रहे थे ये सुख और समृद्धि आपके जीवन से खत्म हो जाएगी इसलिए आपको गहरा विचार यह करना है कि आपको जब भी ये मतलब आपको कार्य करने का आपको कोई मन ना करे आपका काम करने में मन ना लगे तो इस परिस्थिति में आपको अपने माता पिता छोटे भाई बहन या बंधुओं से आपको बैठकर बात करना चाहिए क्योंकि तो जब सातवीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी तो आपके कहीं ना कहीं आपसी संबंध भी खराब होंगे माता जी को आपके हड्डी की समस्या फेस करनी पड़ सकती है आपको मानसिक चिंताएं भी व्याप्त होंगी आपको अनेकों अनेक प्रकार के रोग ऋण शत्रु भी परेशान कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में इसलिए आपको बहुत सतर्कता मैं कह सकता हूं कि बरतनी होगी और ये समय अगर आपका निकल गया तो जैसे ही भगवान शनिदेव उदय होंगे उदय होने के बाद फिर आप पूछिए ही ना उदय होने के बाद आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो होगा नहीं आपके जीवन में आपको हर कुछ मिलेगा जिसके लिए आप परेशान थे पीड़ित थे और निराश थे बस आपको इन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव के दसवीं दृष्टि पर भगवान शनिदेव की दसवीं दृष्टि जब आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी तो आपको इसका प्रतिफल क्या मिलेगा भगवान शनिदेव की जब दसवीं दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी तो आपके शत्रु बढ़ेंगे आपके शत्रु बढ़ेंगे आपको एक्सीडेंट दुर्घटना इत्यादि से बचकर रहना होगा अगर आप कोई व्हीकल चलाते हैं व्हीकल आप कोई ड्राइव करते हैं गाड़ी कार मोटर बाइक कुछ भी चलाते हैं तो आपको इस परिस्थिति में आपको वाहन इत्यादि बहुत संभल कर चलाना होगा तथा तो चा आपको किसी ही प्रकार के वाद विवाद से बहुत सतर्कता व्याप्त करनी होगी अगर आप इस डेट के बीच में किंचित मात्र अगर भड़के तो जीवन में आपके समस्याएं दरवाजे पर आकर दस्तक दे देंगी और आप काफी अधिक परेशान हो जाएंगे इसलिए मेरी आग्रह है कि आप प्रयास करें कि आप जितना हो सकता है जितना संभव है आप भगवान शनिदेव का केवल और केवल उपाय करिए भगवान शनिदेव के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन प्राप्त कराएंगे भगवान शनिदेव के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत कुछ प्रदान करेंगे इसलिए आपको उपाय क्या करना है भगवान शनिदेव का एक बड़ा ही अद्भुत उपाय है उपाय यह है कि आप शनिवार के दिन जितना हो सकता है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें हनुमान जी की पूजा करें तथा चा भगवान शनिदेव को मनाने के लिए आप सरसों के तेल का छाया दान करें काले सुरमे की डिब्बी आप दान कर सकते हैं काले धागे की रील दान करने से आपको लाभ मिलेगा काला वस्त्र काला चप्पल शनिवार के दिन आप पहन करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर दान करते हैं इससे भी आपके जीवन में बड़ा ही सुंदर परिवर्तन देखने को प्रदान होगा और आप पर भगवान शनिदेव भगवान जो न्याय के देवता हैं जो न्याय प्रिय हैं वो आप पर कृपा करेंगे और आपके जीवन में आपको यथोचित फल प्रदान होगा बस आप सभी से आग्रह यही है कि आप सब इस पूरे वर्ष में कोई भी राशि हो कोई भी जातक हो कोई भी व्यक्ति है आपको आपके किए गए कर्मों का फल ही प्रदान होगा तो इस पूरे वर्ष में आप प्रयास करें बुरे कर्मों से बचें और अच्छा कर्म करें अच्छे कर्म करेंगे मित्र सफलता आपके एक दिन कदम चूमेगी मैं आपको लिख कर देता हूं मैं आपको एक प्रॉमिस के साथ बोलता हूं अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं अगर आपका कोई प्रश्न है जो हमसे आप करना चाहते हैं तो अब आप निराश ना हो जो आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही आगे हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक किसी नए विषय के साथ तब तक के नमस्कार जय सीताराम